Hey guys, welcome back to my channel that is Concept Class Editor where all concepts are crystal clear. So, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले HR executive होता क्या है? हम इसका meaning, roles, responsibilities, qualities और क्या skills चाहिए एक अच्छा HR executive बनने के लिए? ये सारी बातें discuss करेंगे. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फी सबमिट कर दें जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना. इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. एचआर एग्जीक्यूटिव मीनिंग, जो एचआर एग्जीक्यूटिव होता है ये स्किल्ड होता है, ओके, और ये क्वालिफाइड एचआर एक्सपर्ट होता है जिसका जो रोल होता है वो पिवोटल होता है. पिवोटल रोल से हमारा मतलब है इनका एक सेंट्रल रोल होता है, ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वर्कफोर्स होनी चाहिए, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में और भी दूसरे काम करने वाले लोग होने चाहिए, ओके. इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है मैनेज करने की. क्या मैनेज करते हैं ये? एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, ओके. एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस से हमारा मतलब है नए एम्प्लॉयज को हायर करना, ओके, जिसके अंदर ओरिएंटेशन भी इंक्लूड होता है. ओरिएंटेशन से हमारा मतलब है दिशा निर्देश देना, और जो नए स्टाफ मेंबर या नए एम्प्लॉयज को हमने हायर करा उनके ट्रेनिंग देने का काम भी आपके ऊपर होता है, ओके, एचआर एग्जीक्यूटिव के ऊपर. साथ ही साथ आपको पेरोल को भी मैनेज करना होता है. पेरोल मैनेजिंग से हमारा मतलब है जो भी इंप्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देना, ओके, किसकी कितनी सैलरी बन रही है, किसी ने ओवर टाइम करता है उसको इंसेंटिव देना, एक्सेट्रा. नेक्स्ट आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फर्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना. अगर आपके यहाँ कोई सी पोजिशन वैकेंट है, खाली है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट देना, ओके. एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस को मैनेज करना, एक्सेट्रा. जो नए एम्प्लॉयज को हमने हायर करा है उन्हें दिशा निर्देश देना और साथ ही साथ ट्रेनिंग देना, ओके. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना. एम्प्लॉयज अगर अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको फायर कर देना, उनकी जगह नए एम्प्लॉयज को हायर करना. इंश्योर करना जितने भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ओके, वो सेटिस्फाइड हैं अपने वर्किंग एनवायरमेंट से. वर्किंग एनवायरमेंट से हमारा मतलब है जो भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट एक पॉजिटिव एनवायरमेंट है, ओके, काम करने लायक है वो जगह. जितने भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना. कभी क्या होता है, हमारी जो कंपनी होती है वो नई पॉलिसीज और रूल्स बनाती है, ओके, तो जो भी नई पॉलिसीज आए उसको समझाना हमारे स्टाफ मेंबर्स को. अगर जो हमारे स्टाफ मेंबर्स है वो किसी बात को लेके नाराज हैं या उनको कोई इशू है, ओके, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना उनके साथ कम्युनिकेट करके. जो भी इम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहा है उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, ओके, मीन्स उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना. हो सके तो एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्मेट में उसका रिकॉर्ड बना के हम रख लें, ओके. लास्ट आती है क्वालिटीज या फिर स्किल्स. फर्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अगर आपके पास बैचलर डिग्री है ह्यूमन रिसोर्सेज या उससे रिलेटेड किसी फील्ड में तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा. आपको पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में. अगर आपके पास पेरोल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट या फिर लेबर रिलेशन का सर्टिफिकेट है तो आपको और अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा, ओके. हो सकता है आपके पास ये सर्टिफिकेट हो लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एचआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए उनके पास ना हो, ओके. इसके अलावा आपको पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटेटर के तौर पे, तो आपको और भी अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा. अब स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटेटर क्या होता है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ओके. जितने भी एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन होते हैं यानी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉस हो गए, कंपनी के लॉस हो गए, ओके, तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए. साथ ही साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे वर्बल हो या रिटन हो. कोई बात मैंने बोल के बताई ये मेरे वर्बल कम्युनिकेशन, कोई बात मैंने लिख के बताई किसी को तो ये है मेरा रिटन कम्युनिकेशन. इसके अलावा जितने भी इंप्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, ओके. एंड लास्ट, जो भी एचआर फंक्शंस और प्रैक्टिसेस होती हैं उसकी आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो ये सारी क्वालिटीज और स्किल्स एक अच्छे एचआर एग्जीक्यूटिव के पास होना चाहिए. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें. कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट में पूछे. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.